मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे टू ऑफ आर रोड ट्रिप। आज अपन निकल रहे हैं चंडीगढ़ से और अपन ऊना वाला रास्ता लेके जाएंगे किधर, धर्मशाला को। दैट इज अबाउट 250 किलोमीटर का राइड आज का। पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा अराउंड 50 किलोमीटर आगे से, मे बी 25 किलोमीटर आगे से। थोड़ा अभी जाएंगे आगे तो पता चलेगा। बाइक में कल पेट्रोल रिफिल करा लिया था, एक चीज और बाकी है। मैं सोच रहा हूँ बाइक में एक बार एयर प्रेशर फिर से चेक करा लूं। तो अभी बस लगेज ट्रॉली वाले को बुलाया है, वो आ जाएगा, अपन लगेज नीचे पहुंचवाएंगे। मैं बाइक पे सैडल बैग वगैरह सेट करूंगा। ब्रेकफास्ट यहाँ पे 6:30 स्टार्ट हो जाता है, तो लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या अवेलेबल है। निकलेंगे ना तो खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन एकदम खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जो अपने को लगेगा खाने लायक तो वो अपन खा लेंगे। मुझे लग रहा है 7:15 से पहले तो अपन नहीं निकल पाएंगे, मे बी 7:30 भी हो जाए। ई है हमारी प्यारी बीवी, ई है हमारी ई, ये ई। तो बेबो आज तुम रेडी हो राइड के लिए? हाँ रेडी हो। कल थी रेडी राइड के लिए? हाँ कल भी थी, तो कल तो मजबूर में थी, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है एक्साइटेड, क्योंकि अब जो चीज हमें चाहिए थी वो मिलेगी आज। ये द बाइक इज फुल रेडी। भाई सच में हालत खराब हो गई, इसको लगाते लगाते पूरा पसीने से भीग चुका हूँ मैं। बट सारे सामान प्रॉपरली फिट हो गए हैं, दोनों सैडल बैग, द टेल बैग एंड एवरीथिंग। हेलमेट भी रेडी है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ मैं इसे पूरा सेटअप करते करते। बट ठीक है, कोई नहीं, अब ये कर लिया, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। टाइम कितना हो गया है? 7:17 हो गए हैं। कोई बात नहीं, लेट तो हो गया थोड़ा सा, बट क्या करें, धूप भी बहुत तेज़ है, आज भी धूप में मरना पड़ेगा। जाता हूँ रूम, इसके बाद ब्रेकफास्ट करके सीधा रोड पे मिलते हैं। तो दैट वाज रेडिसन चंडीगढ़ जीरकपुर। अब अपन इधर से निकल चुके हैं, आज अपनी सवारी जाएगी धर्मशाला धर्मकोट तक। अपना जो स्टे है वो है धर्मकोट में, वो धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर है, वो पेट्रोल पंप है। मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे देखता हूँ अगर हवा वाले का कोई सिस्टम है तो एक बार हवा चेक करा लेते हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू। सोडा शिकंजी, सोडा शिकंजी बेब, चीज ठंडी ठंडी सोडा शिकंजी। नहीं ठंडी नहीं है, ठंडी है, बर्फ डाली है उसने। इसी तरह ना रुकते रुकाते मौज मस्ती करते हुए चला जाता है ये। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं पीना था। तो क्यों पी रही है? दे दे मुझे, दे दे ले, चीयर्स फिर से। पानी में खुश थी, पानी में खुश रहो तुम, पानी से प्यास बुझाओ तुम अपनी। शिकंजी सही थी ना, रिफ्रेशिंग शिकंजी थी। 50 किलोमीटर कवर कर लिया है, नॉट एग्जैक्टली 50, 60 किलोमीटर कवर कर लिया है, 192 मोर टू गो। कह रहा है अगर इसी स्पीड से चलोगे तो दोपहर 2:20 तक ये पहुंचा देगा। पहले मैं मोड़ लेता हूं गाड़ी, फिर बैठना ठीक है। अभी हम लोगों ने एक पिट स्टॉप ब्रेक लिया, क्विक ब्रेक लिया। अपन ने 100 किलोमीटर आज कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर और बचा है, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। शिल्पी मजा आ रहा है तुम्हें? थोड़ी बहुत हालत खराब हो रही है, मजा आ रहा है, बट क्या है कि धूप की वजह से हालत खराब हो रही है। धूप बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा था कि मौसम बेटर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, धूप आ रही है। पानी वानी पी लिया, मुंह धो लिया, देखते हैं ऊपर जाके क्या है। हाँ राइट, चलो अब जल्दी से फिर से निकलते हैं, बैक ऑन द रोड। गॉड क्या बताऊँ, कितने प्यारे रास्ते हैं ये पूरा पैच, पूरा रास्ता इतना सुकून भरा है। लेफ्ट राइट कर्व्स हैं, और बारिश में तो ग्रीन लुक्स मच ग्रीनर। तो जो भी पेड़ पौधे हैं आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो और हरियाली है ये और ज़्यादा हरी दिखती है। बाइक रोकी है एक जगह पे लंच करने को, दिस इज रॉयल ढाबा। हम लोग अपने होटल से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स दूर हैं। शिल्पी को आ रही थी थोड़ी सी नींद, तो उसने मेरे से बोला कि यार ऐसा है एक जगह रुकते हैं, कुछ खावा लेते हैं, टाइम भी हो रहा है, ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, भूख तो लगी रही है, सुबह बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे होटल से, तो और कुछ तो खाया था नहीं बीच में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है रुक भी जाते हैं, उसको नींद भी आ रही है, वो उसका भी थोड़ा मतलब नींद वींद खुल जाएगी। और भाई साहब सीरियसली
होल रोड यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब जिधर भी आप देखो, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा। खाना आ गया बड़ी जल्दी, चलती नींद खुल रही है थोड़ी सी कि खाना खाने के बाद ही खुलेगी। खाना खाने के बाद बेचारी बच्ची को आज नींद आ रही है, थकावट तो नहीं हो रही है लेकिन नींद आ रही है। कोई बात नहीं, खाना खाओ, सेहत बनाओ, नींद खोलो। दाल चावल, चलो बेटा आराम से खाओ। सिंपल एंड सोबर खाना, सिंपल एंड सोबर खाना। बहुत ही ज्यादा तेज बारिश, अपन ने रेनकोट बीच में उतार दिया था जब इसके पहले बारिश हो रही थी, तो अभी फिर से बारिश होने लगी, तो ये हुआ कि चलो फिर से रेनकोट पहन लेते हैं। मैडम को अभी भी नींद आ रही है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 28 किलोमीटर बाकी है। दवाई का असर है इसमें सुबह सुबह। रुको मैं कराता हूँ। मैडम का तो सेटअप हो गया है, मैं अभी लोअर पहन लेता हूँ और अपर पहन लेता हूँ रेनकोट वाला, जल्दी निकलते हैं। वैसे बारिश बहुत सेक्सी हो रही है, बहुत सेक्सी बारिश, वाह 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 वाह। मन कर रहा है जल्दी से बाइक पे बैठो और भागो, निकलो।